क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जैसे बोन्स और दांत दोनों के ऊपर ही बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। नमक हमारे खाने में स्वाद लाता है, बिना नमक के हमें कोई भी सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो क्या नमक सिर्फ हमारे खाने में सिर्फ स्वाद ही लाता है? तो चलिए जानते हैं नमक के क्या क्या फायदे हैं दांतों के ऊपर। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रजनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गो विद स्टार लाइट। केमिकल कंपोजिशन होती है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो जो नमक होता है वो सोडियम और क्लोराइड का भरपूर सोर्स होता है। तो एक लिमिटेड मात्रा में, एक पर्याप्त मात्रा में आपको हर रोज नमक यूज करने की जरूरत है। 5 टाइप के नमक होते हैं। पहला सेना नमक या फिर रॉक सॉल्ट, काला नमक या ब्लैक सॉल्ट, सी सॉल्ट या फिर सफेद नमक, वेदा और रोमा। सेना नमक को गुलाबी नमक भी कहते हैं। सेना नमक को व्रत के अंदर यूज किया जाता है। सेना नमक जो होता है वो सफेद सॉल्ट यानी कि सी सॉल्ट के कंपैरिजन में जो है इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सेना नमक के अंदर आयोडीन नहीं होता है, इसलिए जिन लोगों को किडनी की समस्या है उन लोगों के लिए सेना नमक बहुत ही अच्छा होता है। जैसे हम खाने के अंदर सफेद नमक डालते हैं वैसे ही हम इस सेना नमक को भी यूज कर सकते हैं। नंबर 2 काला नमक या फिर इसको ब्लैक सॉल्ट भी कहते हैं क्योंकि ये काले रंग का होता है। काला नमक जो है पेट की जो भी समस्या है उसमें बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। जैसे कि पेट दर्द हो गया, एसिडिटी हो गई, बदहजमी हो गई, इन सब चीजों के अंदर काला नमक बहुत ही रामबाण की तरह यूज में लिया जाता है। काला नमक ज्यादातर हम चाट में, नींबू पानी के अंदर, सलाद में, इन सब में ज्यादातर यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो भी कुछ सामान बनाते हैं वो बहुत ही चटपटा सा हो जाता है और स्वाद बहुत अच्छा आता है। नंबर 3 सी सॉल्ट। सी सॉल्ट या सफेद नमक जो होता है ये सेना नमक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम और आयोडीन पाया जाता है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल बहुत ही संतुलित मात्रा में करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो भी हमारे शरीर में बीमारियां लग जाएंगी, और कम हो गई इसकी मात्रा तो भी हमारे शरीर में बीमारियां लग जाएंगी। तो हमेशा संतुलित मात्रा में ही नमक यूज करें। अगर आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से बोन्स और दांत दोनों के ऊपर ही बहुत बुरा असर देखने को मिलता है, लेकिन आयोडीन हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है। नंबर 4 लो सोडियम सॉल्ट। नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर सोडियम कम होगा। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर ज्यादातर जो है यही नमक यूज करना चाहिए। डॉक्टर्स भी हमेशा सलाह देते हैं डायबिटीज और जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उन्हें यही लो सोडियम सॉल्ट वाला नमक यूज करना चाहिए। नंबर 5 वेदा और रोमा। ये दोनों के दोनों ही नमक आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के अंदर यूज किए जाते हैं। अब जानते हैं दांतों के ऊपर नमक के फायदे। तो वो एड तो आपने सुनी ही होगी या देखी होगी कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। टूथपेस्ट के अंदर नमक का होना एक आयुर्वेदिक नुस्खे की तरह यूज में लिया जाता है, जो आपकी ओरल हेल्थ को बेहतर बनाता है और एक घरेलू नुस्खे की तरह इस्तेमाल में लिया जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी दांत का दर्द होता है तो लोग अपने टूथपेस्ट के ऊपर से नमक छिड़क करके फिर उससे जो है ब्रश करते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द के अंदर बहुत ज्यादा आराम मिलता है। और दांतों के ऊपर नमक को डायरेक्टली यूज करने से अगर कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। नमक को अपनी उंगली पर डायरेक्टली लेकर के आप दांतों और मसूड़ों दोनों पर मसाज करें। ध्यान रहे ब्रश लगा करके डायरेक्टली आप नमक को यूज नहीं करना है, इससे आपके दांत घिस सकते हैं और ये मसूड़ों को भी डैमेज कर सकते हैं। इसलिए उंगली पर लेकर के धीरे धीरे आप दांतों और मसूड़ों पर मसाज करें। नमक को दांतों की सफाई में इस्तेमाल करने से मुंह का पीएच लेवल जो है वो बना रहता है और मुंह के अंदर जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि नमक के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और उसकी वजह से जो है आपके दांतों पर कोई भी स्टेन्स जमा नहीं होते, कोई भी प्लाक टाटर जमा नहीं होता है। नंबर 2 गुनगुने पानी के अंदर नमक डाल करके यूज करने से हमारे मुंह के अंदर जो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो भी स्टॉप हो जाती है, हमारे मुंह के अंदर से बदबू आना बंद हो जाता है। मुंह के अंदर बैक्टीरिया होने की वजह से मसूड़ों में जो सूजन आ जाती है, मसूड़ों से खून आता है, दांत हिलने लग जाते हैं, इन सब चीजों के अंदर बहुत हद तक राहत मिलती है। नंबर 3 जब हमारे दांत के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है उस टाइम हमें पता नहीं चलता है कि दांत में दर्द हो रहा है उसकी समस्या है या फिर मसूड़ों की समस्या है। तो ऐसे टाइम पर आपको गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके कुल्ला करने से
धीरे धीरे जो दांत का दर्द है उसके अंदर बहुत हद तक राहत मिल जाएगी आपको। नंबर फोर, अगर आपने कोई सर्जरी कराई है, दांत निकलवाया है, कल दांत निकलवाई है, या मसूड़ों की सर्जरी हुई है, या फिर इम्प्लांट डलवाया है, तो ऐसे टाइम पे आपको उस दिन नहीं जिस दिन सर्जरी कराई है उसके नेक्स्ट दिन से आपको जो है गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल करके और फिर उससे कुल्ले करने हैं। ऐसा आपको दिन में 3 से 4 बार करना है, क्योंकि ऐसे टाइम पर आप सर्जरी होने की वजह से आपका मुंह ठीक से नहीं खुलता है, आप ब्रश नहीं कर पाते हो, तो ऐसे टाइम पर आपको इस तरह से कुल्ले करेंगे तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक जाएगी, बैक्टीरिया वहां जमा होना बंद हो जाएगा और जो घाव है आपका वो बहुत जल्दी भरेगा। तीसरा तरीका, नमक यूज करने का दांतों के ऊपर। आपको क्या करना है, 1 चम्मच नमक लेना है, उसके अंदर 1/2 चम्मच आपको बेकिंग सोडा लेना है, उसके बाद उन दोनों को मिक्स करके अच्छे से, फिर उसके बाद उंगली से या तो उंगली से लगा करके मसाज करनी है पूरे दांतों के ऊपर, या फिर ब्रश से लेकर भी आप पूरे दांतों पर लगा सकते हैं। ऐसा आप 2 मिनट के लिए लगाइए और फिर उसके बाद उससे सादे पानी से कुल्ला कर लीजिए। ऐसा करने से आपके दांतों के ऊपर जो पीले रंग के दाग पड़ गए हैं वो साफ हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा आपको डेली रेगुलर बेसिस पे नहीं करना है, ये हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार करना है, क्योंकि इसको लगातार बार बार यूज करने से अगर डेली यूज करेंगे तो हमारे दांत की जो सबसे ऊपर की परत है जिसे इनेमल कहते हैं वो घिसने लग जाती है और हमें फिर सेंसिटिविटी फील होगी। चौथा तरीका, नमक को दांतों के ऊपर यूज करने का। 1 चम्मच आपको नमक लेना है, उसके अंदर 2 से 3 बूंदे सरसों के तेल की मिक्स कर लीजिए, फिर जो पेस्ट है उसे आप ब्रश पे लेकर के उससे ब्रश कीजिए और 2 मिनट के बाद उसे धो दीजिए। ऐसा करने से आपके पीले रंग के दाग तो आपके दांतों पर से हटेंगे ही, साथ ही साथ मसूड़ों के ऊपर जो सूजन आ गई है वो भी कम हो जाएगी, मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा और मुंह के अंदर जो बदबू आती है वो भी नहीं आएगी। पांचवा तरीका, दांतों के ऊपर नमक यूज करने का। 1 चम्मच आपको नमक लेना है, उसके अंदर 1/2 चम्मच आपको सूखा हुआ अदरक का पाउडर जो है वो मिक्स करना है और 1 चम्मच उसके अंदर आपको शहद मिक्स करना है। फिर इस पेस्ट से जो है आपको दांतों को साफ करना है, इससे आपके दांत का जो पीलापन है वो दूर हो जाता है और दांतों से मुंह के अंदर से जो बदबू आती है वो भी नहीं आती। छठा तरीका, नमक को दांतों के ऊपर यूज करने का। 1 चम्मच नमक लेना है, उसके अंदर 1/2 चम्मच जो है सूखे हुए अदरक का पाउडर लेना है, फिर उसके अंदर आपको 4 से 5 बूंदे जो है नींबू के फ्रेश रस की मिक्स करनी है, उसे मिक्स करके फिर उससे जो आप जो है दांत साफ करेंगे तो जिसकी वजह से आपके दांतों के ऊपर बहुत ज्यादा चमक आ जाएगी, दांतों का पीलापन भी दूर हो जाएगा। 7वां तरीका, नमक को दांतों के ऊपर यूज करने का। गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच नमक डालना है और 1 चम्मच आपको जो है सूखे हुए अदरक का पाउडर डालना है, फिर उस पानी से आपको कुल्ले करने हैं। ऐसा करने से आपके मुंह के अंदर दांतों की सड़न तो कम होगी ही, साथ ही साथ मुंह के अंदर से जो बदबू आती है वो भी खत्म हो जाएगी। 8वां तरीका, नमक को दांतों के ऊपर यूज करने का। 1 चम्मच नमक लेना है, उसके अंदर 1/2 चम्मच जो है आपको ऑर्गेनिक हल्दी लेनी है और 5 से 6 बूंदे आपको सरसों के तेल की लेनी है, फिर इसका पेस्ट बना करके फिर उसे उससे ब्रश करना है, या फिर आप उंगली पर लीजिए और उससे धीरे धीरे दांतों और मसूड़ों दोनों पर मसाज कीजिए, फिर उसे 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर 2 मिनट के बाद आप सादे पानी से कुल्ला कर लीजिए। ऐसा करने से आपके दांत का जो पीलापन है वो तो साफ होगा ही, साथ ही साथ बदबू भी ठीक हो जाएगी। ये जितनी भी होम रेमेडी ऊपर बताई गई हैं, इनको सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार ही यूज करना है, डेली रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करना है आपको। अब जानते हैं नमक से दांत साफ करने के नुकसान। तो जहां नमक से दांत साफ करने के आपको फायदे होते हैं, वहीं साथ ही साथ कभी कभी अगर सावधानी से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको नुकसान भी देखना पड़ सकता है। नंबर 1, ओरल म्यूकोजा। ओरल म्यूकोजा जो क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर की स्किन होती है, तो नमक जो है वो थोड़ा दरदरा सा होता है, जब हम उससे मसाज करते हैं या साफ करते हैं तो हमारे अंदर की जो स्किन है वो छिल जाती है, मसूड़े छिल जाते हैं, कभी कभार छाले भी पड़ सकते हैं अगर आप इसे डेली यूज करेंगे तो। इसीलिए ये जितनी भी नमक वाली होम रेमेडीज हैं उसे हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही यूज करना है। नंबर 2, जैसे कैल्शियम हमारी हड्डी को मजबूत बनाता है वैसे ही वो हमारे दांतों को भी मजबूत बनाता है, तो अगर हम इन नमक वाली होम रेमेडीज को ज्यादा यूज करेंगे यानी डेली रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या है, हमारे दांत घिस जाएंगे और कैल्शियम की कमी हो जाएगी हमारे दांतों के अंदर
और फिर धीरे धीरे हमारे दांत जो है वो वीक हो जाएंगे। दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ना, अगर हम ज्यादा मात्रा में नमक का इस्तेमाल करते हैं दांत साफ करने में या फिर मसूड़ों पे मसाज करने में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मसूड़ों में तो घाव हो जाएगा आपको, और दांतों के ऊपर ज्यादा इस्तेमाल करने से दांत घिस जाएंगे, और कुछ भी आप ठंडा गर्म खाएंगे तो उसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी महसूस होगी। अगर आपको दांतों और मसूड़ों की ज्यादा समस्या है, ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो उस टाइम पे जो है आपको इन होम रेमेडीज को यूज करने की बजाय आपको डेंटिस्ट के पास जाकर के चेकअप कराना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये तो थी नमक की पूरी जानकारी डेंटल से रिलेटेड, दांतों पर भी और मसूड़ों के लिए भी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आई होप मेरा ये आज का वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इनका फायदा जरूर मिले। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।